गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस मेकअप लुक का एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ कि इस मेकअप लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। आज मैं इस मेकअप लुक के पीछे की स्टोरी सुनाने वाली हूँ आप लोगों को, तो ध्यान से सुनिएगा। और जो जो मैं कर रही हूँ वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने एक हेलोवीन पम्पकिन इंस्पायर मेकअप लुक क्रिएट किया, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन भूत वाला मेकअप है तो उसको अच्छा होने की क्या ज़रूरत है, गंदा भी चलेगा। तो चलिए स्टोरी में स्टार्ट करती हूँ। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन लोगों को नहीं पता होगा कि हेलोवीन क्या होता है। तो आज मैं हेलोवीन के बारे में बताने वाली हूँ, और उसको क्यों मनाया जाता है, उसको कहाँ मनाया जाता है, उसको कैसे मनाया जाता है, एवरीथिंग अबाउट हेलोवीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अक्टूबर 31 अक्टूबर को हेलोवीन मनाया जाता है। आउट ऑफ इंडिया का ये एक फेस्टिवल है, लाइक अ दिवाली। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं बहुत ज़्यादा धूमधाम से, बिल्कुल उसी तरह आउट ऑफ इंडिया में हेलोवीन मनाया जाता है, एक त्यौहार की तरह। इस दिन जो बच्चे होते हैं वो ऐसी डरावनी शक्लें बना के, यानी भूतों वाली ड्रेस, जैसे कि हम फेस्टिवल में अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो ये लोग इस फेस्टिवल में गंदे से गंदा कपड़ा पहनते हैं और फिर भूतों जैसा मेकअप करके और अपने जो रिलेटिव्स के घर जाते हैं, घर जाके वो उनको बोलते हैं ट्रिक या ट्रीट। तो उनको ट्रीट के बदले मिलता है उनसे, अपने रिलेटिव से चॉकलेट या फिर कुछ भी जो उनके रिलेटिव देना चाहे बच्चों को वो देते हैं। और वो बच्चे गंदे कपड़ों में एंड भूत के मेकअप के साथ साथ में पम्पकिन जैसा कोई थैला या टोकरी वो हाथ में ले जाके और अपने रिलेटिव से ट्रिक या ट्रीट, लाइक अ गेम होता है ये, तो उसके लिए जाते हैं और उनको उसके बदले मिलता है कुछ पैसे या फिर टॉफ़ी चॉकलेट जो भी वो दे उसके बदले उनको ये मिलता है। और इसको क्यों मनाया जाता है, ऐसा कहते हैं कि जो आउट ऑफ इंडिया के जो लोग होते हैं, जैसे कि इंडिया के लोग होते हैं अभी अभी श्राद्ध वराद, जैसे कि उनके जो पूर्वज जो गुजर चुके हैं, हम लोग के जैसे पूर्वज गुजर चुके हैं, तो हम उनके लिए एक महीना होता है, पूरा एक महीना हम लोग घर में पूजा वूजा नहीं करते, कहते हैं उसमें श्राद्ध करते हैं पिताजी का या जो भी हो, जो भी हमारे रिलेटिव्स में गुजर गया है तो उनका, तो उनके लिए एक महीना होता है। बिल्कुल उसी तरह आउट ऑफ इंडिया में अपने पूर्वजों को याद करने का एक दिन होता है, और वो होता है 31 अक्टूबर, और ये हर साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को ही, लेकिन या फिर अक्टूबर के लास्ट संडे को ये हेलोवीन मनाया जाता है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने पूर्वज को याद करने के लिए क्या होता है, एक अभी अभी गया है पितृ पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अपने पूर्वज को याद करने के लिए हम हिंदुओं में एक दिन होता है, वो अभी अभी गया है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, मैं किसी और वीडियो में शायद बताऊं। तो उसी तरह जो आउट ऑफ इंडिया के जो लोग होते हैं वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनसे उनसे कहते हैं और उन और ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, एंड उसके साथ ही वो उनके जो परिवार हैं या घर परिवार या उनके बच्चे हैं उनको हमेशा खुश रखे, ऐसी कामना करते हैं, एंड उनको वो उनकी आत्मा को शांति मिले या फिर उनकी आत्मा को शांति मिले तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और उसके साथ अपने पूर्वजों से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे बच्चों की रक्षा करें हमेशा। और पम्पकिन का क्या रिलेशन है हेलोवीन से, तो पम्पकिन का ये रिलेशन है हेलोवीन से कि जिस टाइम ये हेलोवीन मनाया जाता है उस टाइम जो पम्पकिन की खेती होती है वहाँ पे, उस टाइम पम्पकिन होता है ना जो पूरी तरह से पक चुका होता है, तो इसीलिए पम्पकिन को ही उसमें काट के उसको और उसके अंदर भूतिया जैसे आंखें और मुंह बनाते हैं और उसके अंदर दिया जलाते हैं इस तरीके से, जैसे हम लोग दिवाली में दिया जलाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिया जलाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके आत्मा की
शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके साथ ये भी कामना करते हैं कि वो उनके बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो इस सब की प्रार्थना करते हैं, इसलिए हेलोवीन होता है जो आउट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। अब तो इंडिया में भी इसका थोड़ा ट्रेंड बढ़ने लग गया हेलोवीन का, बट ये फेस्टिवल है आउट ऑफ इंडिया का ही जो कुछ इस तरीके से मनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा और मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। और कहते हैं हाँ, और तो इतना ही पता है मुझे, तो मैंने उतना बता दिया आप लोगों को। और ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैंने बहुत ज़्यादा मैं ना मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं फिर भी वीडियो शूट कर रही हूँ कंटिन्यू, क्योंकि फेस्टिवल के दिन चल रहे हैं, फेस्टिवल अभी स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम कुछ ना कुछ आते ही रहता है, तो इसलिए अभी ब्रेक लेने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। जब ब्रेक लेने का टाइम आएगा तो मैं ले लूँगी। और अभी मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी फेस्टिवल था तो इसलिए मैंने सोचा इस लुक को क्रिएट करना तो बनता है। और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। आई नो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मतलब अच्छी तो लगना ही नहीं है ना हमको, तो भूत वाले गेटअप में कोई अच्छा लग सकता है क्या? कोई अच्छा नहीं लग सकता, तो इसलिए मैं थोड़ी भयानक ही लग रही हूँ। और मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट करने में मैं इस मेकअप लुक को सेकंड टाइम क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम क्रिएट किया था तो मैंने उसका बैकग्राउंड के वजह से उस वीडियो को अपलोड नहीं किया। मेरी सिस्टर ने कहा कि वो वीडियो अच्छा नहीं है, उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में मेरा बैकग्राउंड आपने पिंक पिंक सा देखा होगा, तो उसके वजह से वो वीडियो शूट नहीं कर रहा था बैकग्राउंड के वजह से, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को कर दिया स्किप। मतलब बनाने के बाद मैंने उसको अपलोड नहीं किया, उसको डिलीट कर दिया। एंड फिर मैं नेक्स्ट डे फिर से उसी मेकअप लुक को, वो मेकअप लुक नहीं है ये दूसरा मेकअप लुक है, तो मैंने उसको क्रिएट करने की कोशिश की है। और वो जो मैंने कल क्रिएट किया था ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आज के हिसाब से आज का मेरा उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन अच्छा लग के करना क्या हमको, तो भूत का ही मेकअप रखना है, तो मैंने बस डरावना रखना था, तो मैं डरावनी तो लगी रही हूँ ना तो फिर मैंने कर लिया फाइनली, और उसको बड़ी मेहनत से मैं कर रही हूँ। तो आप इंजॉय कीजिए, और ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी स्टोरी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैंने आपको कितनी बार बताया लेकिन आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और इन्जॉय कीजिए इस मेकअप लुक को।